विधायक वीरेंद्र रघुवंशी की गोद ली हुई गौशाला की आड़ में मुरम का अवैध उत्खनन, डंपर जब्त। शिवपुरी की कोलारस विधानसभा के विधायक वीरेंद्र रघुवंशी के द्वारा टीला रोड पर स्थित धर्मपुरा गौशाला को गोद लिया गया है। वहीं धर्मपुरा गौशाला की आड़ में मुरम का अवैध उत्खनन किया जा रहा है, ऐसे एक मामला शुक्रवार की शाम को देखने को मिला, जहां जिले की माइनिंग विभाग की टीम ने एक नंबर को जब्त किया है जिसमें मुरम का अवैध उत्खनन किया जा रहा था। आपको बता दें कि ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है, जिसमें लिखा गया है कि वीरेंद्र रघुवंशी विधायक के रिश्तेदार द्वारा अवैध खनन किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार कोलारस विधानसभा में गोरा टीला रोड पर स्थित ग्राम पंचायत धर्मपुरा में स्थित गौशाला जिसे कोलारस विधायक वीरेंद्र रघुवंशी ने गोद लिया था, इसी गौशाला के पीछे से लाल मुरम का अवैध उत्खनन कर परिवहन किया जा रहा है और यह अवैध उत्खनन पिछले कई समय से किया जा रहा है। शुक्रवार की देर रात प्रशासन की टीम ने इस डंपर को पकड़ लिया और ड्राइवर से पूछताछ की, तो डंपर के ड्राइवर ने बताया कि डंपर गोलू रघुवंशी का है। इस डंपर का नंबर MP07HB7220 है। ये डंपर रोहन रघुवंशी पुत्र राजकुमार रघुवंशी निवास चौकसे की फैक्ट्री के पास फतेहपुर के नाम पर दर्ज है। ये डंपर विधायक रघुवंशी के साले साहब राजू का बताया जा रहा है और गोलू इन्हीं साले साहब का पुत्र है। ये मुरम किसी पेट्रोल पंप की फिलिंग के लिए ले जाई जा रही थी। इस वीडियो को कोलारस की राजनीति में रुचि रखने वाले लोग अपने अपने हिसाब से पोस्ट कर रहे हैं। इस मामले में विधायक वीरेंद्र रघुवंशी की प्रतिक्रिया जानने फोन लगाया तो उनका मोबाइल स्विच ऑफ मिला। इस खबर पर विधायक महोदय की प्रतिक्रिया भी सामने नहीं आई है। क्या दामोपाल कहाँ से भर के ला रही है? गौशाला के पीछे से। कहाँ से? गौशाला के पीछे से। अच्छा, कहाँ ले जा रहे हो? जी कोलारस से आगे। कोलारस आगे? कोलारस से आगे। कौन का डंपर है ये? जी रघुवंशी, बोलू रघुवंशी। अच्छा ठीक। मेरा